मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। चुप चुप चुप। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। सो अभी चल रहा था सुबह का रियाज, 4 बज रहे थे सुबह के, और आज हमारा एक इवेंट है जिसका कुछ क्लैरिटी है नहीं, होगा कि नहीं होगा देखते हैं, अभी कॉल आएगा तो पता चलेगा। लेट्स सी। सो हमारा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा वाला प्रोग्राम फाइनली हो रहा है एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर इट। और मुझे 2 पिंपल्स निकल गए हैं, ये होने बंद करो, थोड़ा सा साउंड कम करो। तो क्या कहें, ये ऐसे तो नहीं दिखेंगे पर किसी दिन कुछ इवेंट होगा तो ज़रूर निकल जाएंगे। खैर मिलते हैं आपसे रेडी होकर। हे गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। चुप। तो हम हो चुके हैं रेडी और मेरी दीदी बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी तो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने उसे चुप करा दिया और हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेट है, पहुँचना 3:30 तक था और बज कितना रहा है, 4:45। ये सो ऑल थैंक्स गोज टू भैया, उसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से लेट हो चुके हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, जैसा जो होता है वो हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कैसा लग रहा हूँ। सो दिस वॉज द एंट्रेंस, और ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इवेंट क्या था। सो इवेंट है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। सो बेसिकली ये इवेंट था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू ऑर्गेनाइज, जिसमें सभी फ्रीडम फाइटर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके फैमिली को सम्मानित किया गया। तो इसमें मेरा एक परफॉर्मेंस है, पूरा परफॉर्मेंस तो नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट के चलते, बट अगर आप बोलेंगे तो अलग से कर देंगे, कमेंट में बताइएगा। आज हम सब यहाँ सुरक्षित खड़े हैं वीर जवानों की वजह से जिन्होंने बलिदान दिया, तो उनको मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्रिब्यूट देना चाहूँगी और उनसे कुछ भी करती हूँ तो प्लीज मुझे माफ करिए। नमस्कार आप सभी को, मैं रह नहीं पाया और मैं मंच तक आ गया, हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं मंच पे आऊंगा, लेकिन तान्या की आवाज ने मुझे यहाँ खींच लिया। तो परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोग यहाँ फोटो क्लिक कराने आए और इसके पहले की क्लिप में जो सर थे उनसे ही मेरा लाइक उन्होंने ही मुझे बुलाया था और मुझे एक चांस दिया परफॉर्म करने का। सो मेरे थैंकफुल टू हिम और आगे देखिए क्या हो रहा है। सर पीते हुए बताना कैसा है बिस्किट, कैसा है बिस्किट, कैसा लगा? अच्छा कि मुझे मीठा बहुत पसंद नहीं है। आई डोंट नो इसमें लास्ट में कैसी आवाज़ निकाली, बट बिस्किट खाने के बाद मुझे आई थी वॉशरूम, और वॉशरूम भी जाते समय ये वीडियो बना रहा था इंसान। अभी देखिए आगे एक क्लिप आएगी जिसमें वो वॉशरूम तक घुसने तक उसने वीडियो बना रखा है। सो क्या ही कहें, क्या डेडिकेशन है, ये देखिए आ गया। और ये है जहाँ मनोज तिवारी सर आ गए थे और परफॉर्मेंस क्या वो आए थे स्टेज पे, तो वही थोड़ी बहुत बातचीत, बहुत मजाक, हंसी मजाक हुआ। और चूंकि सर बनारस से ही हैं तो कुछ अपने पुराने किस्से और उनका स्टार्टिंग कैसे हुआ ये सारी चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि क्लिप तो बहुत लंबी थी 20 मिनट की, जितना हम कर नहीं सकते तो मैंने थोड़ा 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 काट के लगाया है और काफ़ी मज़ा आया। और चूंकि बनारस में हो रहा था तो बिना
महादेव के नाम के कुछ हो ही नहीं सकता था। तो वो सब शुरू हो गया और ये वरु पीछे से आगे चला रहा है, अब इसको मैं मार दूंगी। इसके पहले वाले क्लिप में भी इसने पूरा मचाया हुआ था। खैर ठीक है, तो ये चल रहा है सब। और मेरे बगल में जो सर खड़े हैं वाइट ड्रेस में, ये एल्गोल फिल्म्स के ओनर हैं और इन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे से मैनेज किया, पूरे करता धरता यही थे। और ये हैं अजय जायसवाल सर, तो काशी वैश्विक गौरव सम्मान इनके बिना आयोजित नहीं हो पाता। सो या मज़ा आया, मनोज तिवारी सर से मिले और अच्छा लगा, क्या माहौल बना। और हम आ चुके हैं घर और हमें मिला था गुलाब, तो ये गुलाब हम पकड़ाते हैं अपनी बहन जी को। इधर आओ, बहन जी को पकड़ाते हैं, ये लीजिए। और भैया का थोड़ा सा मुंह बना हुआ है क्योंकि मैंने खाने नहीं दिया उसे, वहाँ पकवान रखा हुआ था। अब भाई उसको खाना चाहिए, मुझे नहीं खाना था तो ठीक है, मेरी क्या गलती है, उसमें उसने नहीं खाया तो तुमको खा लेना चाहिए था, ठीक है। और इनके तो अलग भौकाले भाई, मनोज तिवारी के अजीज इनको जानते हैं। अरे भैया भैया कहाँ भैया, ऐसा वैसा भैया भौकाल है। सो आज का दिन ऐसे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय, टेक केयर, नाइट।